रियो ओलंपिक में कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेगा, इस पर विवाद बढ़ गया है। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन को नोटिस जारी किया है और इस मामले में उनका जवाब भी मांगा है। दरअसल पहलवान सुशील कुमार ने ट्रायल की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुशील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें रियो ओलंपिक के लिए ट्रायल की इजाजत दी जाए। सुशील ने कोर्ट में दी गई याचिका में कहा कि 74 किलो भार वर्ग के लिए नरसिंह यादव के साथ ट्रायल भी की उन्हें इजाजत मिले। दरअसल 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पहलवान नरसिंह यादव ने भारत की तरफ से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन सुशील कुमार मांग कर रहे हैं कि उनके और नरसिंह यादव के बीच ट्रायल में जो जीते उसे रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। किरण चोपड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुकी है। किरण, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, अभी कोर्ट में हियरिंग हुई और सुशील कुमार के लिए कोई भी राहत नहीं मिली है। आप कहें कि बहुत मुश्किल हो गई है अब उनकी राह। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई मैलाफाइट इंटेंशन होता या कोई राजनीति होती पूरे मामले में या कोई साजिश होती तब तो कोर्ट इंटरवीन करे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इसलिए उन्होंने फेडरेशन को पहले निर्देश दिए हैं कि वो इस मैटर को आउट करे, सुशील कुमार से बात करें और तीन लोगों से जवाब मांगा है, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आता है। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस मामले में एक मीटिंग बुलाए जिसमें कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोच शामिल हो, जो कि इस पे फैसला ले कि नरसिंह यादव को भेजा जाए या फिर जो सुशील मांग कर रहे हैं इस चीज को कंसीडर किया जाए। साफ तौर पर कोर्ट ने ये भी चीज कही कि सुशील कुमार ने क्योंकि इतना कुछ अचीव किया है तो उनको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी अगर कोई दूसरे खिलाड़ी ने देश के लिए कोटा जीता है, लेकिन वो अब कोर्ट में आकर पहुंचे हैं तो राहत तो नहीं मिली है कह सकते। एक बहुत छोटी सी उम्मीद है जो कि वो पूरा मामला अब फेडरेशन के ऊपर एक बार फिर से आ गया है और अब फेडरेशन डिसाइड करेगी, जिसके बाद इन्हें रिटर्न रिप्लाई देना होगा कोर्ट में। उसके बाद 27 मई को दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी। शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए किरण। नरसिंह यादव का कहना है कि इस मामले में कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कुश्ती महासंघ में उनका नाम पहले ही तय कर दिया है और वो 74 किलोग्राम वर्ग में सबसे बेहतर भी हैं। जो भी आज तक रेसलर क्वालिफाई किया है, जो वर्ल्ड में जाके या किसी कंपटीशन में जाके क्वालिफाई करता है, वहाँ देश के लिए मेडल जीता है, तो उसका हक बनता है कि वो ओलंपिक्स भी वही खेले। तो खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके लिए जो भी नियम रूल होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, वो फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त भी है, उन्होंने भी ट्रायल जीत के ही फिर एशिया की क्वालिफाई राउंड में उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ये तो एक फॉर्मेट है, तो हर खिलाड़ी को मानना पड़ेगा। कल को आप बोल दो सीधा मुझे ओलंपिक खेल दे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कोर्ट वगैरह में जाना बहुत गलत है, इससे बहुत गलत असर पड़ता है, जैसे जो आने वाले लोग हैं या युवा उस पर देखेंगे।